Hello student of class 2nd. Today we will learn lesson 3 English grammar, common names and special names. बच्चों previous lesson में हमने nouns के बारे में पढ़ा था. ये उसके types हैं. Two types यहाँ दिए हुए हैं इस lesson में. बच्चों वैसे तो nouns के और भी types होते हैं. लेकिन आपके syllabus में two types के बारे में ही बताया गया है. First of all हम इसकी common names की डेफिनेशन करेंगे. कॉमन नेम्स, नेमिंग वर्ड्स दैट आर द जनरल नेम्स फॉर द सेम काइंड ऑफ पीपल प्लेसेस एनिमल्स एंड थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नेम्स. नेमिंग वर्ड्स, नाम वाले शब्द जो जनरल नेम्स फॉर द सेम काइंड. सेम काइंड मतलब एक ही जाति के पीपल व्यक्ति, प्लेसेस स्थान, एनिमल्स पशु और थिंग्स वस्तुओं के बारे में हमें बताते हैं, उन्हें कॉमन नेम्स कहते हैं. नेम जो वर्ड्स जो हमें सेम काइंड मतलब एक ही जाति के बारे में जो हमें बता रहे हैं वो कॉमन नेम्स होते हैं. फॉर एग्जांपल बॉय, गर्ल. बॉय बहुत से हो सकते हैं, गर्ल्स बहुत से हो सकते हैं. तो ये कॉमन नेम्स में आते हैं जो एक ही पूरी जाति के बारे में हमें बताते हैं, वो कॉमन नेम्स होते हैं बच्चों. सेकंड, स्पेशल नेम्स, नेमिंग वर्ड्स दैट वी गिव टू वन पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग आर कॉल्ड स्पेशल नेम्स. नेमिंग वर्ड्स जो नाम वाले शब्द हमें एक पर्सन के बारे में, प्लेस स्थान, एनिमल पशु थिंग वस्तु के बारे में बताएं, वो स्पेशल नेम होते हैं. स्पेशल नेम्स मतलब जो किसी एक ही स्पेसिफिक पर्सन के बारे में हमें बता रहे हैं. स्पेसिफिक स्थान, स्पेसिफिक जानवर के बारे में हमें बताएं जो एक ही पर्सन के लिए यूज़ हो. स्पेशल नेम्स ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. स्पेशल नेम्स हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, ये उनकी पहचान होती है बच्चों. ध्यान में रखना कि स्पेशल नेम्स यहाँ भी दिया हुआ है. कॉमन नेम्स बिगिन विद अ स्मॉल लेटर. कॉमन नेम्स हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं एंड स्पेशल नेम्स बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. स्पेशल नेम्स हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि कॉमन नेम्स स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं और स्पेशल नेम्स कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. तो इसका एग्जांपल यहाँ दिया है, ललित बिहार, टोबी इंडिया गेट. भी आपने कॉमन नेम्स में देखा बॉय, बॉयस हो सकता है, बहुत से हो सकते हैं. अब यहाँ पे दिया है स्पेशल नेम्स के एग्जांपल में ललित. ललित अब किसी का नेम है, स्पेसिफिक नेम में आ गया. सिर्फ बॉय लड़का, ललित अब किसी मैन का नेम भी हो सकता है, बॉय का नेम भी हो सकता है. तो एक स्पेसिफिक नेम है, किसी का नेम है. सिटी, सिटीज बहुत से हो सकते हैं. शहर बिहार, अब ये स्पेशली इसमें सिटी का नेम आ गया तो ये एक स्पेशल नेम्स है. आपको ये स्पेशल नेम्स, कॉमन नेम्स इनकी अच्छे से डेफिनेशन रिवाइज करके इस एक्टिविटी को देखना है. नाउ स्टार्ट करते हैं पार्ट ए. लुक एट द कॉमन नेम्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स. सर्कल द ओड वन आउट, वन इज डन फॉर यू. यहाँ पे नीचे बच्चों कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसमें एक वर्ड जो है डिफरेंट है, आपको उस पर सर्कल करना है. फर्स्ट रॉक, स्टोन पैबल्स ब्रिक बियर. रॉक चट्टान, स्टोन पत्थर, पैबल्स तिनके, ब्रिक ईंट, बियर भालू. ये सब बच्चे ये हाउस को तैयार करने में ये मटेरियल यूज़ होते हैं. ये सेम कैटेगरी के हैं. बियर, बियर एक एनिमल्स की कैटेगरी में आ रहा है तो बियर भालू ये इन सब से अलग है, डिफरेंट है. तो इसमें किस पे सर्कल करेंगे, बियर पे. सेकंड बॉय गर्ल, मैन सिटी वूमेन. बॉय गर्ल मैन वूमेन ये सेम है, सिटी शहर इसमें डिफरेंट है तो ये हमारा ओड वन है.
Part B, underline the naming words and write them in the correct columns. B part में हमने naming words पे underline करना है, फिर इन्हें इनके properly इनके columns में इनको write करना है. यहाँ इनके columns दिए हैं, common naming word को हम common names में write करेंगे और special naming word को हम special names में columns में write करेंगे. First, I have a pet cat. इसमें naming word क्या है? Cat. Cat, बच्चों कौन सा है? Naming word, common names, special name. तो ये common names है, क्योंकि cats बहुत से हो सकते हैं. Cats. तो अब इसको हम कहाँ पे write करेंगे? Common names में. Second, my cow is called Gori. इसमें naming words cow, Gori. अब इसमें cow एक common noun है और Gori special nouns. Cows एक ही जाति के बारे में जैसे बताया जा रहा है. Cows बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन my cow is called Gori. तो Gori cow का क्या है? Name है. तो यहाँ पे एक specific name दिया गया है cow. काउ का नेम बताया गया है यहाँ पे गोरी. और आपको मैंने बताया था कि जो स्पेशल नेम होते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और जो कॉमन नेम होते हैं वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं. तो इसमें काउ कॉमन नाउंस है और गोरी स्पेशल नाउंस है. इसको हम काउ को कॉमन नेम्स में और गोरी को स्पेशल नेम में राइट करेंगे. ये 3-7 आपको करने हैं. पार्ट सी, फाइंड द नेमिंग वर्ड्स इन द वर्ड ग्रिड टू फिल इन द ब्लैंक्स. ये ग्रिड दिया हुआ है, वर्ड्स ग्रिड है. इसमें से आपको चूज करके यहाँ पे फिलअप्स फिल करने हैं. दे आर ऑल स्पेशल नेम्स. ये जितने भी ब्लैंक्स हैं स्पेशल नेम्स के हैं जो आपको फिल करने हैं, एक्सेप्ट वन. एक वर्ड जो है वो कॉमन नाउंस है, बाकी सभी स्पेशल नेम्स हैं. आपको इस ग्रिड में से वर्ड्स चूज करके इन फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है. बच्चों अब इस लेसन को, इस डेफिनेशन जो ये दिए हैं कॉमन नेम्स और स्पेशल नेम्स, आपको अच्छे से इस डेफिनेशन को समझ के आपको ये पूरी बैक एक्सरसाइज करके फिल करनी है. कल मैं आपको इसकी आंसर की दूंगी और आपको फिर इसे मैच करना है. ये आप आज का आपका होमवर्क है. जो ये रिमेनिंग सेंटेंसेस हैं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ये आपको करने हैं. फिर घर पे प्रैक्टिस नोटबुक में करने हैं. कल मैं आपको इसका सलूशन दूंगी. बच्चों कल ये मैंने आपको लेसन 2 की बैक एक्सरसाइज फिल करने के लिए दी थी, ये उसका सलूशन है. ये आप अपने होमवर्क से मैच कर लेना और इन्हें प्रैक्टिस में भी लेना अच्छे से. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.